शर्ट ये होता है, चैप्टर कौन शर्ट ये सा? होता है कि हम उसमें श्लोकों का अर्थ समझकर भी लिखना होगा। ये बड़ा चमत्कार भी है, एक तरह से उनका चालाकी भी कह सकते हैं हम सामान्य शब्दों में। खंड कौन सा पढ़ा रहे हैं? ये आपका खंड है, चार है, चार का 13 इकाई है। और उसमें आप देखते हैं कि महर्षि जी ने श्री गणेश भगवान जी से क्या कहा कि एक बैठक में लिखना है, लेकिन बशर्ते उसमें मेरा क्या शर्त रहेगा कि श्लोक को अर्थ बतलाते हुए आगे लेखन का काम करना होगा। अब इसी शर्त पर लगभग महाभारत की रचना रची गई। बहरहाल इस तरह से आगे देखते हैं कि जातक कथाएं, ये आप भारत में कथा कहानी का जो परंपरा रहा है, जो भारत में कथा वाचन या लेखन की जो पद्धति रही है या भाषा जो रहा है, उसके बारे में हम बातचीत रख रहे हैं, कर रहे हैं। जातक कथाएं अमूमन अगर देखा जाए तो उपदेश या शिक्षा से दोनों जुड़ा हुआ लगभग है। कथा और उपदेश दोनों अलग-अलग हैं। क्यों अलग-अलग हैं? क्योंकि एक, पहले आप जानते होंगे कि हम जो मनुष्य हैं अभी, पहले वो आदि मानव के रूप में हुआ करते थे, गुफाओं में रहते थे, शिकार किया करते थे, अपना जीवन बसर किया करते थे। वह जो कथा उस समय अपने बच्चों को सुनाते थे कि हम शिकार कैसे करते हैं, भोजन का व्यवस्था कैसे करते हैं, हम गुफा में कैसे रहते हैं, जंगली जानवरों से हम कैसे बचे, वह कथा तो कहते थे, लेकिन वह उपदेश के मामले में, वह शिक्षा के मामले में, उसमें वह एक उपदेश भी हुआ करता था। सरल कक्षा नहीं होती थी, जैसे नानी या दादी जो राजा और परी की कहानी आप लोग को सुनाया करते हैं, हम लोग भी सुना करते थे पिताजी से। तो इस प्रकार जातक कथाएं जो थी वह अमूमन भारतीय परंपरा में, इसका जो वेदों से इसका बड़ा लगाव रहा है, वेदों से इसका स्रोत पाया जाता है। और वेदों में जो कथा या उपयोग ज्ञान या चिंतन को जो बनाने के लिए किया गया था, और वहीं पर आगे बढ़ते हुए उपनिषद में इस परंपरा का विकास भी देखा जा सकता है। उपदेश या शिक्षा बड़े पैमाने पर जो कथा का उपयोग सबसे पुराना उसका उदाहरण है जातक कथाएं। जैसे उपदेश, उसमें शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रभाव पाया जाता, लेकिन कथा जस्ट इतर है उससे। जातक कथाओं का जो कथा सुनाने वाले स्वयं कौन थे? भगवान बुद्ध, जो अपने श्रोता भिक्षु गण को सुनाया करते थे, और उसके बाद भगवान बुद्ध ने शिष्यों को अपने पुनः जन्म की कथाएं सुनाई जाती थी या सुनाए थे, जिसका बहुत बाद में किसी ने संकलन किया था, और भगवान बुद्ध ने परिनिर्माण ईस्वी 544 ईस्वी से लेकर 543 ईस्वी के मध्य में माना जाता है।
परिनिर्माण। उसके उपरांत जब आगे बढ़ते हैं तो रूपांतर भंतन आनंद कौशल्यायन ने किया है। इसका जो परिनिर्माण का जो बात किया गया आपके समक्ष, जो 6 जिलों में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में प्रकाशित है, उसके बाद इसमें कुल कथाएं जो संकलित किया गया 547 कथाओं का यह संकलन था। और सब अलग अलग कथाएं थी, एक जैसी कथाएं नहीं थी। जैसे आप उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कथा को आप देखते हैं, मानसरोवर कई भागों में है, लेकिन सब कथा अलग अलग समस्या, अलग अलग समस्याओं का एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन अधिकांश तो जो एक मौलिक रूप में कहा जाए, एक मूल में कहा जाए, तो वह सभी का सभी मानव मूल्यों का संवेदना पर आधारित है, मानव मूल्यों का जिजीविषा पर आधारित है। यह मानव मूल्यों के कसौटी पर यह खड़े उतरते हैं सब कथाएं। प्रेमचंद की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार इसमें भी 547 कथाएं संकलित किया गया था। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अधिकतर कथाओं में जीवन में धैर्य से काम लेने, असफल होने पर प्रयत्न होना छोड़ने, वेशाओं और धूर्तों से सावधान रहने, प्रिय से वियोग हो जाने पर आशा का त्याग न करना, अधिक संतान पैदा न करना, मन को पवित्र रखने, शुभ संकल्प के लिए इत्यादि, राजपुरुषों के लिए इत्यादि इत्यादि जो विषय था, कुल मिलाकर उसमें ही सदा उपदेश दिए जाते थे। उस समय की कथा जो जातक कहानियां, जिसको आप नाम से जानते हैं, जातक कथाओं की भाषा क्या थी? पाली भाषा, क्योंकि बुद्ध का जैसे ही नाम लेंगे आप, पाली भाषा का जिक्र आएगा। अब इसमें उपदेश वचन तो श्लोक में, लेकिन कथा गद में कही गई थी। उपदेश का जो नीति होती थी वह श्लोक के माध्यम से कहा जाता था, और बाकी जो कथाएं होती थी उनकी वह गद्य के रूप में। उसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि वृत्त कथा किस प्रकार से होती है। भारतीय परंपरा में भगवान शिव सबसे पुराने कथक माने जाते हैं। कथाओं के जनक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। महाकवि सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के आरंभ में यह उपकथा दी गई है। शिव पार्वती से ऐसी कथा सुनने का अनुरोध करती हैं जो आप इसका अमूमन इसका जिक्र अमरनाथ का जो आपका शिवलिंग है, जो अपने आप जो देखने जाते हैं लोग, जो बर्फ के माध्यम से तैयार होता है, आप देखे होंगे कि जब वहां पे लोग जाते हैं तो एक जब भगवान शिव माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं, वाचन कराते हैं मौखिक रूप से, तो कथा सुनते सुनते इतने मदहोश हो जाते हैं कि वह सो जाती हैं। तो पहले कथा अगर कोई सुनाता तो उसमें हुकारे भरना पड़ता था कि हाँ आप सुन रहे हैं उनको कथा को, इसलिए हुकारे भरना पड़ता था, हूं हा हूं इत्यादि जो भी माध्यम रहा होगा। उस समय भी यह प्रथा प्रचलन था, अभी भी यह प्रचलन है।
और सुनते सुनते जब पार्वती माँ सो जाती हैं, तो एक कबूतर वहां पे हुकारी भरते रहता है और पूरा कथा सुन जाता है। कबूतर का जिक्र आज भी किया गया है। बहरहाल तो इस माध्यम से तो आप देखते हैं कि जो सुनाने की जो अनुरोध करती है, तो किसी न किसी जो किसी को ना आती हो कथा, ऐसे को ही मन लगा रहे, बड़ी भी हो, इतनी बड़ी कि सुनते सुनते कहते गन्नातीत समय निकल जाए। पार्वती के अनुरोध पर जब शिव जी ने उन्होंने विराधारों की वृहत कथा सुनाने का तैयार हो जाते हैं, तो पार्वती की हट करती हैं कि वे अकेली ही कथा सुनेंगी। शिव मान भी जाते हैं, वे पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत की अपनी गुफा में चले जाते हैं और वहां कथा सुनना आरंभ करते हैं। गुफा के द्वार पर नंदी के पहरे के लिए बिठा दिए जाते हैं और किसी को भीतर आने की अनुमति नहीं दी जाती है। कथा सुनने के लोभ में शिव एक गण पुष्पदत्त नंदी को चकमा देकर योग शक्ति से अदृश्य होकर गुफा में प्रवेश कर जाता है। कथा आरंभ होती है। दिन पर दिन, महीने पर महीने, बरस पर बरस बीतते चले जाते हैं। कथा ऐसी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। कथा पूरी होने पर पार्वती तृप्त और मुद्रित होती हैं, पर उनके साथ पुष्पदत्त भी कथा सुन लेता है। सामत का मारा हुआ यह कथा अपनी पत्नी जया को भी सुना देता है। जब पत्नी को यह बात पार्वती को यह बात मालूम होती है, तो वह क्रोध से तिलमिला उठती है। उनके क्रोध को देखकर पुष्पदत्त तो घिघी ही बंध जाती है। उसका मित्र मल्यवान देव से उसे क्षमा कर देने की प्रार्थना करता है, पर पार्वती को अपमान का गहरा आघात लगा है। वे पुष्पदत्त और मल्यवान दोनों को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे डालती है। यह सुनकर जया भागती हुई आती है और रो रो कर पार्वती से दया की भीख मांगती है। दोनों श्रापग्रस्त गण में माता के चरणों पर माथा टेक देते हैं। पार्वती द्रवित तो हो जाती है, पर साप तो साप है। वे साप मुक्त का उपाय बताते हुए कहती है कि सुप्रतीक नामक एक यक्ष शापग्रस्त होकर कानभूति के नाम से विद्या के मन में पिचास बनकर रहता है। यदि पुष्पदत्त मनुष्य योनि में कथा उसे सुना दे, तो वह शाप मुक्त हो जाएगा। फिर कानभूति मल्यवान को कथा सुनाकर वे मल्यवान कर्णभूमि से यह कथा सुनकर मनुष्य योनि में इसका प्रचार करने पर शाप मुक्त हो जाएंगे। पुष्पदत्त मानव योनि प्राप्त कर पाटलिपुत्र के राजा नंद का मंत्री वरुचि बनता है और शापग्रस्त यक्ष कानभूति को शिव द्वारा सुनी हुई कथा सुनाता है। कानभूति शाप मुक्त होकर वरुचि की प्रशंसा करता है और उसे शिव का अवतार कहता है, क्योंकि शिव के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी कथा नहीं सुना सकता। वरुचि कानभूति को वही कथा अपने मित्र मल्यवान तो गुढ़ादित्य नाम से पृथ्वी पर जन्म ले चुका है सुनाने को कहता है। गुढ़ादित्य राजा सातवाहन का मंत्री था, पर किसी कारण सब प्रति वनवास झेल रहा है। कानभूति उसे वरुचि से सुना बृहत कथा सुनाता है
जिसे सुनकर बुढ़ियार उसे 7 लाख छंदों में बैसाखी भाषा में लिख डालता है। उस घोर वन में स्याही न मिल पाने के कारण बुढ़ायन अपने खून से ही विशाल कथा लिखनी पड़ती है। लिखते लिखते वह अपनी कथा पढ़ने लगता है तो उसे सुनने के लिए आकाश में विद्याधरों का जमघट लग जाता है। गुणाधर कृत्य बृहत कथा को देख लेने के बाद कानभूति की शाप मुक्ति हो जाती है। अब गुढ़ायन से के सामने बृहत कथा के प्रचार के समस्त उपस्थिति होती है जो उसकी शाप मुक्ति की शर्त है। वह उसे लेकर राजा सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठानपुर पहुंचता है और अपने शिष्य द्वारा अपना ग्रंथ सातवाहन के लोकार्थ भेजता है, पर राजा उसके बाह्य रूप को देखकर ही वितृष्णा से भर जाता है और धिकारते हुए ग्रंथ को लौटा देता है। यह सुनकर गुढ़ायन बहुत निराश होता है। वह नगर के बाहर स्थित बगीचे के पास एक ऊंची चट्टान पर बैठ जाता है और नीचे अग्नि कुंड तैयार किया जाता है। जब अग्नि कुंड में आग धधकने लगती है तब बुढ़ायन अपनी कथा पढ़ना आरंभ करता है। आसपास वन में रहने वाले मृग और पशु पक्षी उसे सुनने के लिए एकत्र हो जाते हैं। उन्हें कथा सुनाते हुए गुढ़ायन सुनाए हुए एक 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 पन्ने को आग में झोंकता जाता है। कथा सुनते हुए वन के पशु पक्षी आहार त्याग देते हैं और स्पद होकर आंखों में आंसू भरकर कथा सुनते रहते हैं। इसका पता चलते ही सातवाहन गुढ़ायन के पास पहुंचता है और अपनी भूल स्वीकार कर उसके चरणों में गिर जाता है। पर तब तक बृहत कथा के 6 खंड अग्नि की भेंट चढ़ चुके होते हैं। केवल 7वां खंड बचा है, उसमें राजा नरवाहन दत्त की कथा है। सातवाहन को 1 लाख श्लोकों वाली यही कथा प्राप्त होती है जो गुढ़ायन की शाप मुक्ति हो जाती है। सातवाहन उस कथा का अपनी भाषा में अनुवाद कराता है और उसका प्रचार सारे भूमंडल में हो जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जब हम कथा के माध्यम से कई विशेषताएं इसकी जो है प्रमुख रूप से सामने आती। पहला यह कि शिव जो भारतीय परंपरा के आदि यानी मौखिक कथाकार है, जैसे हम दादी या नानी की हम बात करते हैं यानी कि बुजुर्गों की बात करते हैं। दूसरी यह कि कथा में कौतूहल तक इतना अधिक होता है, कौतूहल का मतलब जो पात्र के माध्यम से जो संवाद होता है, जैसे वेदों में पुरवा का मिलता है, पुरुरुआ का, पार्वती के रूप में श्रोता उससे वर्षों सुनाता रहता है। और अंत में और मुद्रित होता है। तीसरी यह कि उसमें नयापन होना चाहिए। सुनी सुनाई हुई कथा सुनना उतना कोई आकर्षण नहीं होता। यही यदि कोई कथक सुनी हुई कथा सुनाता है तो श्रोता को उसमें कोई रुचि नहीं होती, कुछ उसमें नयापन नहीं दिखलाई पड़ता। नई कथा को भारी खतरा भी उठाकर भी सुनने का प्रयास करता है। चौथी यह कि श्रापग्रस्त व्यक्ति उसे सुनकर श्राप मुक्त हो जाता है और यह कथा का मूल पक्ष है। और कथा परमतः अगर देखा जाए तो मन में जब तक कौतूहल पैदा न करे और उसका शमन करने का सुदीर्घ प्रक्रिया है जो कथा वाचक जो होता है और एक कथा लेखक जो होता है
दोनों में अंतर है। कथा लिखने का जो शैली है और कथा बोलने का जो शैली है, दोनों अंतर आ जाता है, काफी अंतर आ जाता है। जहां पे पात्र के द्वारा कथा संवादों के माध्यम से गंभीरता पर होनी चाहिए, वो गंभीरता पर वाचन में होना चाहिए, वाचन करने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए। जैसे आप गाना का गाना देख लीजिए, सॉन्ग जिसको आप कहते हैं, गाने सुर ताल की तरह कोई तान ऊपर होता है, कोई नीचे होता है। जैसे नदियां जब लबालब भर जाती है दोनों किनारों की तरफ से, बीच में दम लहरें जो इस तरह से उठते चली जाती है पहाड़ों की तरह, इस तरह से उसी प्रकार जो वाचक होता है, जहां गंभीर बातें हैं, उनकी आवाजों में वह त्रासदी, वह दर्द, वह रूढ़िपन, वह यथार्थपन उनके शब्दों के माध्यम से वाचक के मुख पर और उसके स्वभाव में भी वह प्रतिबिंबित होनी चाहिए। तभी जाकर एक कथावाचक और एक कथा लेखक, कथा लेखक लिख दिया लेकिन जब वह वाचन करेगा तो उसकी शैली शायद वह न हो। दोनों में इतना अंतर है। बहरहाल तो इस रूप में आप देखते हैं कि कथा के लिखित रूप में कौतूहल के साथ साथ संवेदना का तत्व भी मिल जाता है, वही चीज जो हम आपको अमूमन इससे पूर्व बता चुके। उसके बाद इस तरह से आगे बढ़ता है भारतीय कथा साहित्य में। उसके बाद छोटे इसमें कुछ कुछ पॉइंट दिया गया है जो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के दौरान पंचतत्व और हितोपदेश, जो कि पंचतंत्र के बारे में हम बहुत सारा बात पहले भी कर चुके हैं, है ना। और उसके बाद कादंबरी के बारे में बातचीत किए हैं हम लोगों ने। इसके उपरांत हम एक संस्कृत कथा परंपरा का जो अश्वाद है, जो उसके बारे में 10वीं सदी में धनपाल ने तिलक मंजरी के रूप में कादंबरी की परंपरा को जीवित रखने का प्रयत्न किया था और उसकी जो सृजन शैली थी, दृष्टिकोण जो थी, कादंबरी से ही उसका विकास कहा जा सकता है। और दूसरा पॉइंट इसमें देख सकते हैं कि 10वीं शताब्दी के उपरांत धीरे धीरे संस्कृत को राजाश्रय प्रदान करने वाले जो हिंदू राज्य है वह लगभग लगभग समाप्त हो गया। अब इसी कारण संस्कृत काव्य की परंपरा लगभग लगभग लुप्त हो गई थी। यह जो है महत्वपूर्ण कड़ी है जो आपको उत्तर में लिखने को भी आए। चलिए बहरहाल इसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं नवजागरण काल में भारतीय कहानी की बात। देखिए नवजागरण काल का मतलब आपको पता ही है कि पुनः स्थापित होना। और नवजागरण में खासकर कि जब अंग्रेजों का हस्तक्षेप होता है हमारे यहाँ, तो जो भी कोई भी सत्ता परिवर्तन होती है, चाहे हमारे यहाँ मुगल साम्राज्य आए हो या ब्रिटिश हुकूमत का राज चला हो, तो सबसे पहले वो आते हैं तो सबसे पहले अपना भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं, भाषा का व्यवहार करते हैं। उसके उपरांत वह धर्म का अपना प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद शिक्षा जगत में अपनी भाषा का प्रचार करते हैं या सरकारी कामकाजों में, व्यवहारों में और नगरों में अपनी भाषा का प्रचार करते हैं। इसीलिए भाषिक पदानुक्रम में परिवर्तन होना, भाषिक पदानुक्रम और अंग्रेजों का हस्तक्षेप के अंतर्गत आप दो चीजों को देखेंगे, एक कि भाषा का परिवर्तन, दूसरा धर्म का परिवर्तन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत कि भारतीय भाषाओं का उभार, जो कि यह महत्वपूर्ण है। उसके उपरांत है कि ललित मुद्रित परंपरा में संक्रमण, संक्रमण का जो विराट सांस्कृतिक आयाम है या नया पाठ समुदाय जो है, नया पाठ समुदाय का आशय यह हुआ कि जो पाठक वर्ग जो है वह किस भाषा का ज्यादा है,
उदाहरण के लिए रामचरितमानस जो लिखा गया था तुलसीदास द्वारा, वह भाषा क्या थी? लेकिन वह भाषा आज के संदर्भ में माने तो वो भी चाहे ब्रज भाषा हो, चाहे वह औधी भाषा हो, चाहे वह दिंगल हो या पिंगल हो या भ्रंश भाषाएं हो, सभी हिंदी ही मानी जाती थी, क्योंकि बोलचाल की भाषा में जो भाषा प्रचलन में होता है वही भाषा मानक माना जाता है। उसी रूप में आज यहां पे देखेंगे आप कि नया पाठक समुदाय, क्योंकि जब एक कोई भी शासक आता है तो अपने तरफ से भाषा भी लाता है, खान पान भी लाता है, उसका संस्कार, तहजीब इत्यादि सारे कुछ जो आप एक मानव के हित के लिए जरूरी होती है, मानव मूल्यों के जो 6 उभार हैं उसको आधार बनाकर यहाँ पे भी देखा जाता है कि नया पाठक समुदाय। हमारे यहाँ जो भाषा थी तो थी, लेकिन उसके बाद जो भाषा आई, अंग्रेजी भाषा, फारसी भाषा, पुर्तगाली भाषा, चीनी भाषा, जापानी भाषा या कोरियाई भाषा, जितनी सारी भाषा हमारे यहाँ आई, तो सभी भाषाओं में यानी नया पाठक वर्ग, तो इस भाषा के आधार पर आप देख सकते हो उभार किस प्रकार आया इसमें। उसके उपरांत जो निजी भाषा की उत्पत्ति हुई, एक भाषा जो थी हमारे यहाँ, दूसरी भाषा हमारे यहाँ पे आई, तो दोनों के मिलन से एक नया भाषा का उन्नति हुआ, नया भाषा का एक विकास हुआ, इजाद हुआ। जैसे अगर मूल कहा जाए तो शास्त्रीय भाषा, जैसे हम कहते हैं कि शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो 4 कहे जाते हैं, जिसमें कि उड़िया भाषा आपका आता है, उसका खुद से विकास हुआ, कोई विकास नहीं किया, जो कि 2014 में इसको मानक मिला कि शास्त्रीय भाषा का इसका दर्जा प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जब भाषा की हम बात करते हैं तो उसके पीछे और उसका वर्तमान और बीच से जो निकला हुआ भाषा का मिश्रण किस प्रकार से हुआ। जैसे हिंदी हमारी मौलिक नहीं है, हिंदी का उत्पत्ति बहुत प्राचीन से हुआ है, संस्कृत पाली, फिर उसके बाद क्या हुआ, संस्कृत पाली, उसके बाद जो जन भाषा की भाषा थी, उसके बाद फिर आया अपभ्रंश आ गया, प्राकृत आया, प्राकृत के बाद वो प्राकृत जन भाषा की भाषा बनी, उसके बाद प्राकृत से फिर अपभ्रंश आया, अपभ्रंश में भी 2 धाराएं निकली, अब पूर्वी स्वर श्रेणी, पश्चिमी स्वर श्रेणी, उसके बाद हिंदी का इजाद हुआ है, हिंदी का जन्म हुआ है कह सकते हैं आप। तो इसीलिए निज भाषा की उन्नति या नया पाठक समुदाय जब आप पढ़ेंगे तो आप वही भाषा का देखेंगे आप किस तरह से साठगांठ है, क्योंकि पाली सामान्य भाषा लोगों के लिए नहीं थी, संस्कृत राजा का या पंडित का या महापंडित का या राजघराओं की भाषा थी, राजघरों की भाषा थी, महलों की भाषा थी। पाली की बात करें तो पाली सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक वर्गों के लिए भाषा थी, जिसमें कि बुद्ध ने उपदेश दिए। प्राकृत की बात करें तो प्राकृत में भी यही चीज आ जाता है कि वह जनसाधारण की भाषा थी, सब लोगों की भाषा थी। और उसके बाद अभ्रंश, अभ्रंश हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं, आए दिनचर्या में प्रतिदिन इसका प्रयोग करते हैं। बहरहाल चलिए हम बात करते हैं भाषिक पदानुक्रम और अंग्रेजी का हस्तक्षेप के अंतर्गत। उसमें जब हम देखते हैं तो आपको यह दिखलाई पड़ेगा कि भाषिक पदानुक्रम और अंग्रेजियों का जो हस्तक्षेप है, अंग्रेजी का हस्तक्षेप, उसमें किस तरह से बहुभाषी समाज के बीच चाहे जितना भी भाषिक विद्या हो उसके बावजूद संप्रेषण की इच्छा, आवश्यकता, अनिवार्यता के कारण कोई एक भाषा संक्रम भाषा का रूप ले लेती है। संप्रेषण की इच्छा को राजनीतिक चाहे अपनी कुटिलता से भंग कर दिया जाए या करती भी रही है, आवश्यकता और अनिवार्यता का निवारण नहीं कर सकती। इसलिए व्यापारिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि
किन्हीं कारणों से कोई भाषा संपर्क भाषा की तरह उभर ही आती है। संपर्ककरण भाषा मतलब संपर्क की भाषा की बात कर रहे हैं। आज बहुत सारे भाषा हमारे यहाँ भारत में बोली जाती है, लेकिन मूलतः 22 भाषा ही मानक है संविधान के अनुसार। उसी प्रकार जब हम नवजागरण या राजनीतिक प्रशासन स्तर पर या अंग्रेजी राष्ट्र के स्तर पर व्यवस्थित हो जाने के उपरांत समानांतर में चलने की प्रक्रिया जो थी भाषा, चाहे वह परिणाम या प्रतिक्रिया कही जा सकती, लेकिन कूटनीति के कारण भाषाओं के बीच जो भौगोलिक निकटता के कारण तथा सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ावों के कारण भाषिक भेदभाव न्यूनतम तक ही सीमित रही थी या रहे थे। उस काल तक या प्रदेश की सीमाएं भाषा के आधार पर खींची गई थी और एक भाषिक समुदाय के लोगों को अन्य भाषाओं के साथ साथ आदान प्रदान की जरूरत स्वाभाविक रूप से ज्यादा गहरी थी। व्यापार या वाणिज्य का विस्तार अखिल भारतीय था, जो अतुर्त भाषिक संप्रेषण के अखिल भारतीय विस्तार का प्रमाण भी था। इस रूप में आप देखते हैं कि जब भाषा उड़िया से उड़ीसा में, भोजपुरी बिहार झारखंड में, लेकिन नहीं बिहार झारखंड के अलावे प्रवासी देशों में भी भोजपुरी की बोलबाला है, जैसे सूरीनाम, मॉरिशियस जैसे देशों में भी भोजपुरी का भाषा बोले जाने की प्रक्रिया है। और उसके बाद आप दिल्ली साइड चले जाइए, खड़ी बोली की भाषा, हरियाणा साइड हरियाणवी, पंजाब साइड पंजाबी, इस प्रकार वह एक क्षेत्र बंधा हुआ है, एक मापक है। हाँ, वो दूसरी बात है कि वह व्यक्ति अगर बाहर चला गया तो वहां भाषा जो प्रचलन में होगा वही प्रयोग करेगा, लेकिन क्षेत्र के अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है तो अपनी भाषा में वार्तालाप करेंगे। बहरहाल जब हम आगे देखते हैं तो संस्कृत और फारसी अरबी इस भाषिक के बीच सूत्र का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है, और इसके पदानुक्रम में मौजूद भी था इसी क्रम में। कारण क्योंकि दैनिक व्यवहार की जो भाषाएं नहीं थी, दैनिक मतलब दिनचर्या रोज का काम, लेकिन जानकर पूरे भारत में थोड़ी या बहुत संख्या में मौजूद थे, इसलिए उनके उपस्थिति में अखिल भारतीय थी। और दैनिक भाषा के बावजूद संस्कृत की प्रतिष्ठा भाषिक पदानुक्रम के में परंपरागत रूप में प्रथम थी। कारण यह है कि जब आज कोई भी हमारे यहाँ कोई भी हिंदू परंपरा जो है उसमें कोई भी सुचारू रूप से कार्य करने के लिए संस्कृत के श्लोक या संस्कृत में ही पूजा पाठ, आज भी यहाँ तक कि शादी विवाह में आज भी संस्कृत में ही मंत्र का उच्चारण किया जाता है। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन एक बात और आपको ध्यान आकर्षित करा दें उस तरफ कि जब एक हाथी आप देखे होंगे, वो आज भी जो है संस्कृत भाषा समझते हैं, उनकी जो महावत है वह संस्कृत भाषा में उससे वार्तालाप करते आज भी। इसीलिए इसको कहा गया देवो, यानी देवनागरी यानी कि देवों की नागरी, देवों की भाषा। तो इसलिए संस्कृत जो भाषा थी वह प्रथम भाषा थी। इसको न अपनाने का कारण यही था कि इतना क्लिष्ट भाषा था और उसको उस समय पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। जो पिछड़े हुए थे, चाहे वह जातिगत हो या वर्ण के आधार पर हो या अन्य रूप में पिछड़े हुए हो, वह संस्कृत भाषा के वेद
या जितने भी धर्म शास्त्र थे पढ़ने की अनुमति भी प्रदान नहीं किया गया था। यही कारण है जन साधारण की भाषा नहीं बन पाई और महलों तक ही सीमित रह गया। इसीलिए वह धीरे 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 वह विलुप्त होने लगी, विलुप्त होने के कगार पर आ गई। बहरहाल उसके उपरांत जब देखते हैं कि अरबी इस्लामी कानूनों में कुरान की जो भाषा होने का कारण प्रतिष्ठित तो थी लेकिन व्यवहार में सीमित थी। फारसी विभिन्न शिक्षित समुदायों में ज्यादा बड़े पैमाने की ओर से बौद्धिक समाज की भाषा थी और वह समाज के उच्चतर वर्गों की भाषा थी जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों मौजूद थे। 19वीं सदी के प्रथम अर्धांश में प्रकाशन का आरंभ होने के बाद भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार में सबसे पहले प्रभावशाली जो संख्या फारसी के अखबारों ने की थी। इसमें से कोई प्रकाशन यद्यपि अगर ज्यादा लंबा तक समय तक नहीं चला तो 1857 ने स्थिति को बदल दिया, लेकिन उसके पहले अखबारों को देश भर में फारसी ही प्रतिष्ठा और पाठकों की संख्या का चिन्ह बनता है, सूचक माना जाता है। उसके उपरांत जब देखते हैं भाषिक पदानुक्रम में परिवर्तन, 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही लेखक या संस्कृत में माफ कीजिएगा संस्कृत फारसी में किसी एक या दोनों रचना का करता था, जैसे कि अनेक भारतीय भाषाओं में ब्रज मातृभाषा में। ब्रज का विस्तार खासा व्यापक लगभग अखिल भारतीय था। साहित्य की प्रमुख परंपरा के दृष्टि से अटूट जो अटूट कविता लिखी गई थी वह ब्रज भाषा के अंतर्गत। भारतीय भाषाओं में तमिल के पास एक लंबा लगभग संस्कृत के बराबर और प्राचीन इतिहास है और अन्य अपेक्षाकृत नई भाषाएं भारतीय भाषाओं जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, मैथिली, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और सिंधी 18वीं शताब्दी के अंत तक साहित्य रचा जा चुका था। उर्दू इनमें नवीनतम थी। अब देखिए उर्दू इसलिए नवीनतम थी क्योंकि उर्दू का जो विकास होता है वहीं से प्रारंभ होता है, फारसी से उसका एक अभ्रंश भाषा है, उसका एक निकली वाली उससे निकलने वाली एक शाखा है, तो उर्दू उनमें नवीनतम थी। लेकिन उर्दू भाषा में तहजीब बहुत है, संस्कार बहुत है। जब आप उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, आप भी बहुत सारे शब्द उर्दू में प्रयोग करते होंगे, शायद आपको पता ना हो। हम लोग इसको जानते हैं पानी के नाम से, लेकिन इसको हम लोग, यह उर्दू शब्द है पानी, जल है हिंदी शब्द, विराजिए ये भी एक उर्दू शब्द है। बहुत सारे ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जो उर्दू शब्द का हमारे मिश्रण कर गया, यानी अभ्रंश का खिचड़ी बन चुका है। बहरहाल तो उर्दू उनमें नवीनतम थी। उर्दू का यौवन काल था और इन सभी भाषाओं में लिखित साहित्य के साथ साथ मौखिक साहित्य की परंपरा भी मौजूद थी। अनेक भाषाएं होने के बावजूद मौखिक परंपरा में गीत, आख्यान, कविता का प्रभुत्व साहित्य में मौजूद था। इसके साथ साथ लोक परंपरा का साहित्य था। साहित्य परंपरा की धारा पुष्ट और समृद्ध लोक साहित्य परंपरा की धारा भी प्रवाहमान थी। प्रवाहमान मतलब धराशायी, धराशायी का मतलब ये नहीं कि वह मार दिया धराशायी, धराशायी का मतलब प्रवाह धारा, एकदम धारा प्रवाह, नदी जैसे बह रही है तो बह रही है, उसको रोका नहीं जा सकता, वो अपना रास्ता बना लेती है, वही धारा प्रवाह। भाषा सीमित नहीं रहता, भाषा असीमित है, चलते रहता है, वह रुकता नहीं है। आज से
20 वर्ष पूर्व की भाषा आवाज आज की भाषा में बहुत अंतर आ गया है। वही भाषा, चाहे आप एक उदाहरण उड़िया का ही ले लीजिए, उड़िया का जो आज के 40 वर्ष पहले जो भाषा थी, उसी भाषा को, वही भाषा, उड़िया ही भाषा, लेकिन आज वो प्रचलन अलग हो गया उस रूप में, उसका वर्ण में, लिपि में, उसका लिखने के शैली वही है, बस सकते उसका रूप स्वरूप बदल गया है, क्योंकि भाषा धारा प्रवाह है, वह चलते रहता, चलमान है, वह चल भाषा की तरह, दुर्भाष की तरह, जो आप मोबाइल लेके चलते हो वो चल भाषा है, उसी तरह वो चलते रहते हैं वो भाषा, तो भाषा एक जगह व्यवस्थित नहीं रहता। बहरहाल उसके बाद हम आगे देखते हैं कि 18वीं सदी के अंत तक भारत के वर्चस्व प्रतिस्पर्धी यूरोपीय समुदायों के बीच यूरोपीय संक्रमण भाषा के रूप में अंग्रेजी स्थापित हो चुकी थी। पुर्तगाली और फ्रेंच भाषाएं अपने अपने उपनिवेश तक सीमित रह गई थी और भारत में अंग्रेजी उपनिवेश कायम हो जाने के बाद स्वाभाविक था कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आजीविका और समृद्धि के उपार्जन का साधन बन जाए। अंग्रेजी की शिक्षा गुरु हुई और सरकारी शिक्षा नीति में अंग्रेजी के शामिल से अंग्रेजी का प्रचार प्रसार व्यवस्थित व्यापक रूप में होने लगा। हमने आपको इस पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले ही कहा कि नवजागरण काल में किस तरह से भाषा का, कोई भी अंग्रेजी हुकूमत आता है या कोई भी हुकूमत आता है तो अपना भाषा अपना धर्म का प्रचार प्रसार करता है। जो मोकाले ने भारत में अंग्रेजी राज का जड़ मजबूत करने का साधन समझा था, वहीं पे अपनी समझ को साबित कर दिखाया भी उसने मोकाले ने। मोकाले का जिक्र हम इससे पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं। और भारतीय पक्ष की अगर हम बात करें तो राम मोहन राय ने नई पीढ़ी के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध में विशेष रुचि ली थी। अब इसी तरह नवजागरण काल में अंग्रेजी का परिचय भारतीयों के छोटे किंतु विशिष्ट और प्रभावशाली ढंग से उस समुदाय के वर्ग में मिल चुका था और संभावना को समझ चुका हुआ, इतना मतलब उसमें बढ़ गया था भाषा का प्रचलन, भाषा का प्रयोग। जैसे आज भी आप कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा, अगर आप दो शब्द का प्रयोग कर दें तो अगला पर्सन समझता है कि बड़ा जेंटलमैन व्यक्ति, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जो भी भाषा जानते हो, क्षेत्रीय भाषा जानते हो या बोली जानते हो, वो भी इतना उसका इतिहास जब खगा लेंगे बहुत प्राचीन बहुत पुरानी भाषा रही हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, तो अपनी भाषा से संदिग्ध नहीं होना है, अपनी भाषा को, जो भी भाषा है उस भाषा को आगे बढ़ाना। बहरहाल उसके बाद हम देखते हैं कि 19वीं सदी के मध्य तक आते आते अंग्रेजी ने फारसी को अपदस्थ उसके स्वयं उसकी जगह ले ली थी, लेकिन उच्च वर्ग और आम जन की भाषा के बीच की दूरी जैसे थी वैसे ही बनी रही। यानी कि जो अंग्रेजी भाषा का प्रचलन करते थे या जो अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया करते थे, उन लोगों के बीच की जो दूरी थी वो काफी अंतर आ गई। जैसे मार्क्सवाद ने दो धाराएं कही है, एक शोषक एक शोषित, शोषित तो शोषक पूंजीपति वर्ग, शोषित जो हम मजदूर व्यक्ति, तो वही दो धाराओं के यानी कि एक पूंजीपति और एक शोषक यानी शोषित, दोनों में कितना अंतर आ जाता है। उसी तरह की जो उच्च वर्ग की भाषा और एक निम्न वर्ग की भाषा, दोनों में अंतर है। चलिए उसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय भाषाओं का जो उधार रहा है उभार, उस तरह आप देख लीजिएगा, इसमें कोई खास
शोषण में वही है कि नवजागरण की शताब्दी के आसपास जब सामाजिक राजनीतिक दबावों का जब परिवेश होता है तो भाषा उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, नई किस्म की भूमिका निभाती है। चाहे राजनीतिक का दमन या आर्थिक शोषण या राष्ट्रीय चेतना की बात करें तो उसमें भाषा उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। जिसकी ज्यादा भाषा बोलने की परंपरा रहेगी वही वर्चस्व में रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब आपको जनता को जगाना होगा तो ये जो भाषा प्रचलन में है उसी भाषा में व्यवहार करना होगा। तो भाषा से आप एक पूरा का पूरा समुदाय वर्ग का चेतना को आप उभार रहे हैं, जगा रहे हैं, उन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जब साहित्य एक ऐसा विशेषकर जो कथा साहित्य के माध्यम से या अध्ययन से ये मूल परिवर्तन का जो ध्यान जरूरी है, जाहिर है कि एक नई भाषा का आधार बनेगा जिसमें कि व्याकरण का शब्द भंडार का ज्ञान जब तक नहीं होगा जब तक उसकी भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। संवेदना और विचार का एक नया पूरा का पूरा नया संसार लेकर आता है आधुनिक साहित्य में, खासकर विशेषकर मूल्य भावना या आदर्श रोमान के बजाय यथार्थ में उसका अनुशीलन किया जाता है। और खासकर नए साहित्य रूपों का जो खासकर वो जो गद्य साहित्य है उसका आविष्कार इस परिवर्तन के साथ जुड़ा था। जैसे कि नवजागरण काल में परिवर्तन के प्रथम चिन्ह दिखलाई पड़ता है और उसी युग में कहानी में नहीं नए साहित्य रूपों में उपन्यास और कहानी विशेषकर लोकप्रिय हुआ उस समय। जैसे उस समय की अगर हम बात करें कि देश की शिक्षित जनसमूह जो थी वह या तो भाषा के रूप में कहा जाए तो संस्कृत हुआ करती थी या फारसी। इसके अलावा जब मातृभाषा की बात करते हैं उसको हम देशज भाषा की जो बात करते हैं तो उसका भारतीय भाषा भी बोलते थे लोग, लेकिन शुद्ध देशी भाषा भाषी दूसरे जनसमूह की भाषाओं के पास साहित्यिक सांस्कृतिक था जो परंपरा उसकी जो थी, जो भाषाएं उच्च शिक्षा में या प्रशासन या रोजगार का माध्यम नहीं बना था देशज भाषा। अब इसी कारण रहा, यही कारण था कि नवजागरण के समय नवजागरण हुआ और उसमें बहुत हद तक बहुत कुछ तक अपनी भाषाओं में जो भी जन भारतीय जन भाषा के अंतर्गत जैसे संस्कृत फारसी अंग्रेजी के जो प्रेमी थे वो परिचित नहीं थे, इसलिए उसमें क्या किया अपवाद रूपों की जो अलगाव उत्पन्न हुआ उसमें अपनी अपनी देश भाषा के साहित्य में नवजागरण का सूत्रपात इतिहास पुरुष बने। जैसे अपनी भाषा जो जिस राज्य में रहे जो जिस देश में रहे उस भाषा का प्रचार अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करने लगा, जैसे जैसे उनका आत्मबोध बढ़ने लगा उनके अंतर्गत, चाहे वह लेखन कौशल में हो या वाचन कौशल में हो या मौखिक स्तर पर हो, भाषा का विकास व्यापक रूप में बढ़ने लगा। उसके उपरांत मुद्रण का जो प्रारंभ हुआ पत्र पत्रिकाओं का, जब तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी भाषा का काफी विकास हुआ, जिसमें कि काफी सारे जब अगर आप 19वीं शताब्दी के आसपास माने या 1818 के आसपास माने तो बंगाली समाचार दर्पण या गुजरात में मुंबई समाचार, मराठी में 1832 में मराठी दर्पण इत्यादि, ये सब सामने आपके समक्ष पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। फिर उसके बाद इसके अलावा जो है असामिया उड़िया हिंदी कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम उर्दू ये सब सारी भारतीय जो भाषाएं द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र में पत्र पत्रिकाएं हो चुके थे, जिसमें कि
नवजागरण का चेतना वाहक जा चुके थे। कारण संप्रेषण करने का जो माध्यम, सशक्त माध्यम है, वो भाषा ही है, वह साइंस नहीं है, वो कॉमर्स नहीं है, वह भाषा ही है। चाहे लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वह लोकल लैंग्वेज हो या नेशनल लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। उसका उसके उपरांत हम देखते हैं कि जन संचार के जो संप्रेषण में वह देश काल से बंधन से मुक्त हो गया। कारण कारण कि वह मुद्रण या छापा खाना जब शुरुआत का पहला कदम रखा तो देश काल या सीमा को बांधा नहीं जा सकता है, खासकर जब भाषा की बात आती है। और उस समय यह था कि सबसे ज्यादा दुर्लभ यह था कि जो पाठक तक पहुंचाया जाए। लेखक अपने कमरे में बैठकर लिखता है, लेकिन बात तक, दूर दूर तक, सदूर तक, पाठक तक पहुंचाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जो भाषा चाहे पढ़ा व्यक्ति हो या सिर्फ अनपढ़ व्यक्ति हो, सिर्फ वह समझने का अक्षर को समझता हो, तो दोनों पाठक व जैसे दैनिक अखबार दोनों समझते हैं, पढ़ा लिखा भी अनपढ़ भी समझते हैं कि अखबार में आज समाचार में यह सूचना प्रकाशित हुआ है। कितना वह सत्यापथ है, कितना वह मिथ्या है, वह अलग बात है दोनों, क्योंकि लेखक कभी भी लिखता है तो अपने कमरे के अंदर रखकर लिखता है, लेकिन भाषा उसको एक माध्यम बनाना होगा। बहरहाल उसके उपरांत आप इसमें देख लीजिएगा वाचिंग परंपरा, लिखित मुद्रित परंपरा इत्यादि वगैरह, है ना। उसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में भारतीय कहानी, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में भारतीय कहानी का जो हम सिर्फ इसमें थोड़ा सा ढांचा रख दे रहे हैं स्ट्रक्चर के रूप में, जब भी राष्ट्रीय आंदोलन की बात होती है तो एक तो पहली बात कि वहां की जो जनता है कई भाषाओं में बटी हुई है। उस समय हम जाति की बात नहीं करेंगे, कई भाषाओं में बटी हुई है। उस भाषा को पिरोए रखने का काम लेखक क्या करता है, एक पहले सभी लोग मिलकर, आलोचक और रचनाकार मिलकर एक भाषा का इजाद, जो कि एक भाषा मानक होता है, उस भाषा को अपना लेखन का हथियार बनाते हैं। और लेखन के माध्यम से कथावाच लिखन की प्रक्रिया, उनका प्रचलन जारी रहती है। और कथा लेखन जब प्रारंभ हो जाता है या लिखने की पद्धति जब प्रारंभ कर देता है लेखक, तो भाषा के माध्यम से जब वो कहानी पाठक वर्ग पढ़ेगा तब उसमें उसके मन में यह संज्ञान आएगा, विचार उत्पन्न होगा कि राष्ट्र जो है अपना वह किसी के अंतर्गत गुलाम के रूप में पड़ा हुआ है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय में भारतीय कहानी की जो बल रहा है वो बहुत प्रमुखता से रहा है। कारण ये कि उसमें जब एक जनता सोई है तो उसको जगाने का काम एक रचनाकार ही करता है। उदाहरण के लिए एक दो कहानी इसमें हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के विचार पक्ष में जो सार्थकता की बात कही गई है, राष्ट्रीय आंदोलन के घटनाक्रम का एक अन्य दिलचस्प पहलू है कि सामान्य जनता के उभार का जो शक्ल उभरी है, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि असंख्य से असंख्य लोगों ने बिल्कुल नए ढंग से दुनिया को देखना शुरू किया। यहां पर हम दो चीजों की तरफ देखते हैं। पहला संबंध विचार से है, यानी कि मस्तिष्क का इस्तेमाल, दिमाग का प्रयोग। विचार के स्तर में परंपरा आ जाती है, धर्म, नैतिकता, सदाचार,
सामाजिक बराबरी, जाति विभाजन, नकारात्मक पक्ष इत्यादि इस विषयों के बारे में सोचना। और क्या एवं कैसे सोचा वह अलग अलग सवाल है, लेकिन मात्र सोचना, इस ध्यान देना इस पर अत्यंत उपयोगी है। दूसरी यह कि सामान्य लोगों में मामूली जिंदगी, गली मोहल्ले, कस्बों, गांवों, सच्चाई को अपने दृष्टिकोण से देखना परखना शुरू किया। फिर उसमें सोच कहां और सामाजिक व्यवहार में कितनी दूरी ले जाए वो अलग चीज है। देखिए, दोनों चीजों पर, एक तो कोई के मन में कोई भी व्यक्ति हो, पहला विचार यह होता है कि वो दिमाग जब लगाता है तो सबसे पहले देखता है कि धर्म में क्या है, नैतिकता क्या है, सही गलत क्या है, सदाचार क्या है, समाज में उसका अस्तित्व क्या है, जाति विभाजन में क्या देखता है। उसके बाद दूसरी तरफ मोहल्ला, गली, ये मोहल्ला गली क्या है, कस्बा क्या होता है, गांव की सच्चाई क्या होती है, वो दोनों चीज अलग अलग पक्ष में। और मसलन तथ्य का अगर धरातल स्तर पर देखें तो प्रचारकों, पंडितों, धर्माधिकारियों, मुल्लाओं, पादरी के हाथ में संपन्न होता है। इस प्रक्रिया का सीधा असर साहित्य पर पड़ा। इसमें इसका असर इसलिए साहित्य पर पड़ा कि जब भी आप मंदिर चले जाएं, गिरजाघर चले जाएं, आप गौर फरमाएंगे कि वहां पे एक व्यक्ति है जिनको आप जिस नाम से संबोधित करते हो, जिस भी धर्म से हो, वहां पे उनके सहारे ही हम इबादत कर सकते हैं। ये बड़ा कहीं ना कहीं दुर्भाग्य कह सकते हैं या सौभाग्य भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है बड़ा। लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से साहित्य क्या करता है, समाज को आईना दिखाने का काम करता है, तब दुर्भाग्य ही कहेंगे बहरहाल। तो देखते हैं कि इसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं असर साहित्य पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप ये हुआ, कविता की पद रचना छुट्टी हो गई और उसका स्थान ने गद्य ने प्राप्त कर लिया। कविता जो 4 पंक्तियों में या 10 पंक्तियों में कही जाती थी, उसका सीधा असर यह हुआ कि वह कथा वाचन में यानी गद्य में लिखा जाने लगा, श्रार में लिखा जाने लगा। अब प्रचार कम, आयात गद्य का ज्यादा माध्यम तो बढ़ गया। कविता में, गीत में, विशेषकर लोक गीतों में लय चलती है और एक प्रवाह होता है, और उसमें सोचते हुए वह सरल और एक रेखीय सोच ही होगी। और गद्य एक तर्क या तक्र आलोचना का भाव रहता है। समान रूप में कहें कि समान लोगों के लिए गद्य की उपयोगिता बढ़ी और उसमें अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति का, साहस का संचार हुआ। इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि धर्म प्रचारकों, पंडितों का स्थान पूर्व की निवस्त अधिक शिद्दत से किसागो, दास्तान कहने वालों, कहानियों के माध्यम से गांव गांव, शहर शहर घूमते लोक कथा के समान कलाकारों ने ले लिया। यहां पूर्व की निवस का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। कारण यह है कि किसागोई और दास्तागोई पहले भी व्यापक तौर पर प्रचलित थी, लेकिन सामान्य जनता के बीच अपनी सोच को प्रवृत्ति के आने से किसागोई में अपनी वास्तविकता या वास्तविक स्थितियों का अनुशासन का काम करने लगा, जिसकी अहम भूमिका जो निभाई वह गद्य के विकास में बहुत सी बाढ़ सी आ गई।
दूसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत दौर भी रहा। परिणाम स्वरूप किसागोई और दास्तागोई ने कलाकारों के साथ नई शिक्षा और शिक्षित और आधुनिक विचारों को लैश मध्य वर्ग के सदस्यों ने कहानी को अपने ढंग से इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। 19वीं शताब्दी में अंतिम वर्ष में कहानी के इस्तेमाल का धीरे धीरे देशव्यापी देखने को मिला, जिसके अंतर्गत आप भाषा गढ़नी शुरू कर दी, जिसके अंतर्गत भाषा को आप देख सकते हैं कि बंगाली, पंजाबी, उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उड़िया, असमिया इत्यादि भाषाओं ने नई शब्दावली आने लगी, उसमें अभिव्यक्ति का संचार होने लगा। धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तन हो चुका था और जिसका भारतीय कहानी का रूप तीखे विचारों, मानवीय मूल्यों, गरिमामय चिंतन और साहसिक अभिव्यक्तियों से प्रेरणा लेकर पूर्णतः परिवर्तन धर्मी और क्रांतिकारी बन गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कहानियों के माध्यम से एक संवेदना जो सफलित होती है उसका दंश राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से, कथा के माध्यम से उसका धीरे धीरे नवजागरण हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं स्वाधीनता के बाद भारतीय कहानी का विकास। उन्नीस के बाद अगर परिवेश और परंपरा की हम देखें या फिर रक्तपात और हिंसा का वृत्तांत देखें या आधुनिक संवेदना का पुनः परिभाषा या गांव और शहर, नगर केंद्रीय कत्ता, पारिवारिक संबंधों के बदलते हुए समीकरण, सामाजिक सरोकार की कहानियां, इस रूप में हम देखेंगे कि पारिवारिक सरोकार के बात करेंगे हम। परिवेश की परंपरा तो 1947 के आसपास देखे ही है, जब विभाजन होता है तो उस समय सांप्रदायिकता की भावना स्फुलित हो जाती है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो उस समय मानव संवेदना का इतना धराशायी हो जाता है, मर जाता है कि मानव सिर्फ धर्म के नाम पर ही एक दूसरे का खून बहाया किए, जैसे तमस जैसे उपन्यास आप पढ़ेंगे या मलवे का मालिक कथा जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उसमें मानव संवेदना जो मानव साथ में पला बढ़ा, यवन अवस्था में आया और बुजुर्ग की स्थिति में आकर जो साथ में पला बढ़ा वही उसी ने पूरे व्यक्तियों को सिर्फ धर्म के नाम पर बलि चढ़ा दिया गया या सूली चढ़ा दिया गया। तो वह जब संवेदनाएं जब सफुलित होती है तो मानव की मानवीयता अंत हो जाता है। इसलिए उसी समय गाना आया था, शायद आप सुने होंगे, कि तू मुसलमान बनेगा, हिंदू का बच्चा हिंदुस्तान बनेगा। ये गाना नहीं है, माफ कीजिएगा, ये गाना है कि मैं वो गाना भूल रहा हूं अभी, इंसान का बच्चा है तो हिंदू ना बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान का बच्चा है तो इंसान बनेगा, इस तरह प्रकार से गाना है, आप शायद सुने भी होंगे, मुझे वो बोल याद नहीं आ रहा है अभी, वो बहुत पुरानी गाना है। तो इस रूप से वहां पे जब 1947 और आसपास की जब घटना आप देखते हैं तो बहुत सारे जैसे भीष्म साहनी हो गए या फिर अन्य कथाकारों ने या कथा साहित्यकारों ने जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे सांप्रदायिकता पर कहानी लिखी गई थी। बहरहाल तो उसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक सरोवर की कहानियां
जब व्यक्तिगत संबंधों के जो दायरे होते हैं, जैसे पारिवारिक संरचना, बदलाव का अर्थ में अगर समाज गहन स्तर पर बदलाव ही है, लेकिन समस्त मानव संवेदना को सामाजिक यथार्थ मानते हुए विषय वस्तु के रूप में सामाजिक सरोकार को ठोस परिभाषित अर्थ और व्यक्तिगत यथार्थ पर वरीयता देने वाली कहानियों को अगर हम वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से विभाजन और वर्गीकरण हुआ है। सभी भाषाओं में अधिकार रहीन, विपिन, वंचित किसान, मजदूर वर्ग को केंद्र में रखकर अनगिनत ऐसी रचनाएं आपको मिल जाएंगी जिसमें कि ग्रामीण भारत को शोषण के दबाव से कराहती है और गरीबी से संघर्ष करती बस्ती के रूप में चित्रित किया गया है। यथार्थ का अगर हम बोध कराते हैं, ऐतिहासिक प्रक्रिया के समझने गांव को प्रकृति की गोद में बसे भोले निरीश आदर्श मानव संसार के मित से मुक्त करने में प्रतिरोधी प्रवृत्ति का विकास किया गया। किसानों की गरीबी, शोषण के चित्र खींचे गए, अशिक्षा और अज्ञान जय नासमझी और अंधविश्वास के परिणाम स्वरूप शोषण और असहाय की ओर संकेत किया गया। और यहाँ पे देखिए, जो अंधविश्वास है, आज भी अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे, कुछ भी थोड़ा बहुत होता है तो अधिकांश जो पढ़े लिखे हैं या नहीं भी है, जो ना समझ है, झाड़ फूक जादू टोना में फंसकर बेचारे उस मानव का वहीं पे धराशायी होने पे मजबूर कर देते हैं। आज भी आप कहानी के माध्यम से भी देखेंगे कि अंधविश्वास कितना है। और अंधविश्वास का ये जो शब्द है, जब हम आपको इससे पूर्व पढ़ा रहे थे इसी नवजागरण के काल में ही, तो आप देखेंगे या आंदोलन के दौर में ही देखेंगे कि वहां पर जब धर्म रूप में आ गया, यानी कि मुल्ला, पंडित, पादरी, इनका जब वर्चस्व आया, इनके सहारे जब हम ईश्वर की प्राप्ति करने लगे, तो उस समय अंधविश्वास बीच में पैदा लिया, जन्म लिया। और अंधविश्वास एक ऐसा चीज है, जादू, जैसे रास्ता जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट दी तो लोग लूट जाते, क्यों? रास्ता काट दिया, आगे खतरा हो सकता है। ठीक, क्या है अंधविश्वास? पूजा अर्चना अपनी जगह पर है, इबादत अपनी जगह पर है, लेकिन उसमें इतना भी ना हो कि अंधविश्वास में वो परिवर्तन हो जाए। जब हिंदी साहित्य का इतिहास अब आप जब पढ़ते हैं, जैन साहित्य या उससे पूर्व साहित्य को आप अध्ययन करते हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, आखिर क्यों उसमें सिद्ध से नाथ का, नाथ से फिर जैन का क्यों हुआ ऐसा इजाद? उसमें कुछ न कुछ अंधविश्वास उत्पन्न होने लगा, उसमें पैदा होने लगा। तो उसके बाद एक अंत हुआ, शुरुआत हुआ, फिर एक शुरू हुआ, फिर एक अंत हुआ। क्यों हुआ? इसी यही कारण है कि जहां अंधविश्वास ने जन्म लेना शुरू कर दिया, वहां पे मानव का जो बुद्धि है वह लगभग लगभग ना समझ के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, पर्दा। अब यही अंधविश्वास के परिणाम स्वरूप शोषण और असहाय की ओर संकेत किया गया। गांव से शहर, जैसे आप देख सकते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन, उसमें भी अंधविश्वास के बारे में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बड़ा शिद्दत से लिखते हैं। आज भी अंधविश्वास के नाम पे जो आज कितने सारे जीव जंतुओं को बलि दिया जाता है, हे देवी माँ प्रसन्न हो जाएगा, मैं आपको खसी चढ़ा दूंगा, इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं, बलि देने की प्रथा जो आप फिल्मों में भी देखते हैं, वो क्या है? अंधविश्वास ही तो है। किसी निर्मज
बेजुबान जानवर का, जीव जंतु का अगर आप बलि देकर खुश हो जाते, उससे अच्छा इंसान को दीजिए बलि, क्या दिक्कत है, उससे ज्यादा खुश हो जाएंगे। बहरहाल इस प्रकार के जो अंधविश्वास है, जो प्रथा है, जो रूढ़िवाद बन चुका है, आज भी है गांव में। आज भी आप गांव में चले जाएंगे तो उनके नाम पर बहुत सारे बलि चढ़ाए जाते हैं। बहरहाल लेकिन उसका प्रयोग खाता को प्रयोग कौन, प्रसाद का भोग कौन खाता है, मनुष्य खाते हैं। मतलब उस देवी आस्था या उस आस्था के नाम पर जो वह जो बेजुबान जानवर को हम निर्जीव निर्मल हत्या कर रहे हैं और नाम लगा रहे हैं किसी और का, तो यह क्या है, अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है ना। बहरहाल उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो गांव से शहर में पलायन के लिए मजबूर किसानों मजदूरों के विस्थापन का कथानक उठाए गए, यानी कि उनका दर्द जो है, वह गांव में खेती करने का जो साधन था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा, इसकी वजह से वो पलायन होने लगे, यानी कि वहां से विस्थापित होने लगे, शहर में भी जाए शहर में भी वही स्थिति जीने के लिए वो विवश हो जाते हैं। और यही कारण है कि उत्पादन प्रक्रिया में मशीनीकरण की वजह बुनकर तथा अन्य शिल्पी समुदायों के आसन्न विनाश के संकट और संकटग्रस्त जीवन की कहानियां लिखी गई, जिसमें कि महाजन से मुक्ति मिली लेकिन बैंकिंग प्रणाली की रन जो व्यवस्था ने अपना जो विकट रूप भयंकर अमानवीय चेहरा दिखाया। अब यहां पे दो चीजें आपको सामने प्रस्तुत होती है। पहला यह कि जब आप साहूकारों की बात करते हैं तो कथा कहानियों में, प्रेमचंद की कहानियों में खासकर आप देखेंगे कि ऋण की समस्या बहुत विकार समस्या है, आज भी वह समस्या है। पहले साहूकार थे, आज आपका जितने सारे बैंक, आप कोई भी बैंक का नाम ले लीजिए, वो सब है। एक छोटा व्यापारी या छोटा किसान, अगर आप एक ट्रैक्टर लेने के लिए भी आप चले जाइए तो उसका ब्याज दर कितना बड़ा है, और वहीं पे एक मर्सिडीज निकालिए, 50 लाख का गाड़ी निकालिए अपना स्वार्थ के लिए, उसका इंटरेस्ट रेट जो है, रेशियो जो है, बहुत लो है, जो कि एक पूरा घर का जीवन वसर करने के लिए वह व्यक्ति गाड़ी निकालता है, और एक व्यक्ति सिर्फ अपना सुख समृद्धि के लिए गाड़ी चढ़ता है। क्यों है यह जाल? प्रेमचंद जी ने इसीलिए गोदान उपन्यास में बहुत पहले 1936 में लिख के चले गए। वही सामंतवादी जो राजा राय साहब थे, वही आज मंत्री और आज आप अधिकारी के रूप में, पदाधिकारी के रूप में आप देखने को मिलता है। शोषण व्यवस्था वही है, स्वरूप परिवर्तन हो गया है, बस देखने का नजरिया अलग हो चुका है। बहरहाल उसके बाद यह जो भयंकर अमानवीय चेहरा दिखाया बैंकिंग प्रणालियों ने, और भूमिहीन किसान और रोजगारहीन रहीन असंगठित मजदूर का शोषण निकट और विकटतम हुआ। 1900 के बाद आर्थिक उदारीकरण या निजीकरण के विकास के नाम पर आबादी बहुत बड़े अंश को विकास के दायरे से बाहर कर दिया। अब बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या आज भी सामाजिक यथार्थ है। आत्महत्या आप अधिकांश तो देखेंगे कि महाराष्ट्र के नगरों में, महाराष्ट्र के जैसे गांवों में, महाराष्ट्र जो राज्य है, आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी वो कर देने के लिए विवश है, जो लगभग लगभग सभी राज्यों में कर की व्यवस्था समाप्त हो गई। लगान वसूलने की जो समस्या व्यवस्था थी, परंपरा थी, वो लगभग लगभग समाप्त हो गई। लेकिन आज भी एक संजीव जी उपन्यासकार हैं, उनका उपन्यास पढ़ लीजिए, उसमें आज भी महाराष्ट्र के किसान जर्जर दर दर भटकने के लिए विवश है बेचारा। बड़ी यह संवेदनाहीन की बात कर रहा हूं, बड़ा त्रासदी की बात है, बड़ा ही अमानवीयता की बात है। बहरहाल इस वर्ग की कहानी में स्वाधीनता के बाद व्यवस्था के विश्लेषण परीक्षण में एक नगर केंद्रीकता आई,
जिसमें वंचित वर्गों के न्याय के लिए नई शासकीय नीति बनती है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रही। अब भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है, जैसे आप भोला राम का जीव कथा पढ़े होंगे, तो भोला राम का जीव मरने के बाद इन बेचारा फाइलों में दफ्तर में वह भटकता रहता है उसकी आत्मा। क्यों भटकती है उसकी आत्मा? कारण है उसके पीछे कि उसके जो पेंशन है, रिटायर का पेंशन का भत्ता, वो उसे प्राप्त नहीं हो पाता, नहीं मिल पाता। कारण कि भ्रष्ट पदाधिकारी जो उस कुर्सी पर विराजमान है, जो उसके फाइलों को आगे बढ़ाते नहीं है, फाइल को बढ़ाने के लिए वो दक्षिणा मांगता है। अंत में नारद जी प्रकट होते हैं और नारद जी अपना कुछ रखते हैं, यानी अपना वीणा रखते हैं, उसके बाद वो फाइल आगे बढ़ता है। तो भ्रष्टाचारियों की कहानी नगरीकरण में, या कोई भी आप नगर में कार्य कराने के लिए चले जाए, यहां तक कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो कोई भी दस्तावेज बनाने के लिए आप सरकारी कार्यों के लिए आप जाए, तो वहां पर आपको कुछ न कुछ भ्रष्ट रूप जो कर्मचारी रहेंगे, आपको कुछ न कुछ राशि मांगेंगे, अनुदान राशि मांगेंगे। तो इस जो वर्चस्व जो रहा है सबका, नेताओं का या उद्योगपतियों का जो साठगांठ है, इनका जो नीति है, उस भ्रष्टाचार के चक्की में पिसता कौन है? आम आदमी, जिसका कोई ना ऊपर है ना कोई नीचे है। नीचे तो खुद है ही, मतलब उसका किसी तक पहचान नहीं है। जिसका पहचान है वो बहुत तुरंत उसका कार्य हो जाता है संपन्न, कोई भी कार्य। क्यों हो जाता है कार्य? क्योंकि उसका कोई ना कोई उसके पीछे है। जिसका एक आम आदमी, उसका कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। बहरहाल उसके बाद आप देख लीजिएगा, कुछ कुछ पॉइंट है ना, और थोड़ा सा समय बचा है जिसके अंतर्गत अभी चार पॉइंट को दिखाना है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बात को रखेंगे। अब जैसे प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद कालीन हिंदी कहानी की बात करेंगे, तो प्रेमचंद पूर्व कहानी और पूर्व कहानी का इतिहास, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का विकास और प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की प्रवृत्तियां, और हिंदी कहानी में प्रेमचंद का आगमन, प्रेमचंद का आरंभिक दौर की कहानियां, प्रेमचंद का कहानियों का विकास, आदर्श और यथार्थवाद का द्वंद्व, उसके बाद प्रमुख कहानीकार के रूप में जयशंकर प्रसाद और हिंदी कहानी, प्रेमचंद कालीन हिंदी कहानी, ये सब अब सरल है, इसमें ज्यादा कोई जटिलता नहीं है, तो आप इसको अध्ययन कर लीजिएगा। प्रेमचंद सबसे सरल और आसान आपको इन्हीं की भाषा दिखलाई पड़ती है। और उसके उपरांत आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। अच्छा हाँ, उसमें थोड़ा सा प्रेमचंदोत्तर में प्रेमचंद के युग के समय थोड़ा थोड़ा हम जिक्र कर देते हैं। और जैसे कि इसमें आपको कहानी की हम बात करें, तो प्रेमचंद के समक्ष जितने भी समकालीन कथाकार लोग थे, लगभग लगभग देशज भाषा का भी प्रयोग किए हैं और शहरीकरण भाषा का भी प्रयोग किए हैं, और शहर का परिवेश और ग्रामीण परिवेश दोनों को सम्मिलित करके दिखाने का भी प्रयत्न करते हैं। इनकी भाषा में भी आप कथा कहानियों के माध्यम से देख सकते हैं। और खासकर प्रेमचंद के उपरांत की कहानी को देखेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि ज्यादातर पत्रिकाओं के माध्यम से उल्लेख मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी की हम बात करें, तो किशोरीलाल गोस्वामी का इंदुमती पत्रिका के माध्यम से, उसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी का 1902 में गुलाब हार, फिर उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी का 1902 में प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का, उसके बाद प्लेग का चुड़ैल है मास्टर भगवान दास, फिर इसके बारे में हम चर्चा किए हैं, बंग महिला दुलाई वाली, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके, इसलिए इसको हम आगे बढ़ते, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। चलिए अब हम बात करेंगे प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के अंतर्गत कि प्रगतिवाद, मनोविश्लेषणवाद, जनेंद्र कुमार अगे, यशपाल,
इनके बारे में प्रगतिवाद जो आप जानते ही हैं, प्रगतिवाद क्या है क्या नहीं है, प्रगतिवाद के बारे में आपने कथा हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत पढ़ा भी होगा, पढ़े होंगे आप सभी। और मनोविश्लेषणवाद जो मानव का मस्तिष्क के अनुसार क्या क्या कैसे कैसे करता है, और यही तीन जो प्रमुख हैं, जो जैनेन्द्र कुमार, अगे और यशपाल, ये मनोविश्लेषण के आधार पर कथा कहानी अपने रचनाओं में जगह दिया है, वह किस माध्यम से? मनोविश्लेषणवाद के माध्यम से। चाहे आप जैनेन्द्र कुमार का कोई भी उपन्यास ले लीजिए, कथा ले लीजिए, उसमें आप मनोविश्लेषणवाद भर भर कर दिखलाई पड़ेगा। और आगे की जो उपन्यास है या कथा साहित्य है, यशपाल जी का झूठा सच या आगे जी का नदी के द्वार पर, उसमें इस टाइप के जो मनोविश्लेषणवाद के आधार पर जो कथा संसार ये बनाए हैं, कथा रचना संसार का सृजन किए हैं। जैनेन्द्र जी का भी वो आप देखेंगे, सुनीता, त्यागपत्र, त्याग, उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि मनोविश्लेषण के आधार पर एक स्त्री की जिजीविषा या स्त्री की एक मनोस्थिति कैसी होती है। अधिकांशतः जैनेन्द्र कुमार जी ने स्त्री का एक आधार बनाया है पात्रों के माध्यम से। और जैनेन्द्र कुमार लिखने से जब लिख रहे थे तो उस समय ज्यादातर ये ऐसे स्थानों पर जाते थे जो सामान्य में वो समाज में वह दर्जा उसको महत्व नहीं दिया जाता था, और वहां पर रहकर उस प्रकार की कहानियों से वह सृजन करने का कार्य किए। और बहरहाल उनकी व्यक्तिगत जीवन थी, उनके व्यक्तिगत जीवन में हम लोग को जाने की कोई सरोकार नहीं है। तो हिंदी कहानी की अगर हम बात करें तो मनोविश्लेषणवाद पे जो कहानी है वो, यहाँ एक और सशक्त कहानी है या कथा है, उपन्यास है, जो कि आपका बंटी, जो मनोविश्लेषणवाद पर आधारित है, जो आप पढ़े होंगे कि आपका बंटी का, कि जब माँ पिता का जब आपस में नहीं बनता, तलाक जब हो जाता है तो पिता और माँ का तो जीवन व्यतीत हो चुका हुआ रहता है, लेकिन एक पुत्र की स्थिति कैसी होती है, वह किस किस दौर से कैसे कैसे दौर से गुजरता है, जहां पे उसको हल्का सा अपनापन एहसास होता है वहीं पे वह धारा की तरह बहने लगता है वह बच्चा। इसीलिए पति पत्नी का जो द्वंद है उसके बारे में बड़ा बारीकी से अनु भंडारी ने अपने उपन्यास में जिक्र की है। उसके उपरांत आ जाते हैं हम नई कहानी और साठोत्री कहानी के बारे में। इसमें हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे, कारण यह कि नई कहानी और साठोत्री कहानी का जो 1950 के बाद का अगर हम बात करें कि हिंदी कहानी का नया दौर आया था 1950 के बाद, और नई कहानी के नाम से भी वो लगभग जाना जाता है, क्योंकि प्रेमचंद की 1930 के बाद कहानियों में जो उसका उनका जो विचार रहा है, जो संवेदनाएं रही है, उनको कार्य व्यापार ने ले लिया था। और नई कहानी प्रेमचंद की जो पुष्प की रात और कफन से जो सूत्र ग्रहण कर आगे बढ़ी है, लेकिन उसके बाद वह कब पीछे छूट जाता है उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। प्रतीकात्मकता और विमरणात्मकता के रूप में अगर महत्व देखा जाए तो काफी बढ़ गया था। कहानीकार आजादी के बाद नए ढंग से चित्रण करने लगे हैं कथा के माध्यम में। नई कहानी का नयापन उसका विद्रोह चेतना से अंतर्निहित है। अलंकार भाषा में कहें तो नई कहानी में समकालीन व्यवस्था के विरोध शंखनाद है। समकालीन व्यवस्था, उस समय की जो सामाजिक संरचना थी, जैसे ढांचा थी समाज का, उसका विद्रोह का शंखनाद। यानी कि भारत को आजादी मिली 200 वर्ष के प्राधीनता के बाद
एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन आजादी के मिलने के साथ साथ ग्रहण लग गई, क्योंकि आजादी मिलते ही देश का विभाजन हो गया। शरणार्थियों, विस्थापितों के भूखे, नंगे और इधर उधर घायल काफिले, देश की आत्मा घायल होने लगी। सारा देश खून से लगभग लगभग लथपथ हो गया। हथियारों और नृशंसताओं का नंगा नाच होने लगा। भाई भाई को पहचानने से इनकार कर दिया। पिछला सब कुछ भस्म हो गया। भारत की आजादी के साथ सपने जुड़े थे, बहुत सारे सपने कि आजाद भारत में हम ये करेंगे इत्यादि, बहुत सारे सपने थे, वो सब के सभी सपने धराशायी हो गए। प्रजातंत्र और पूंजीवाद के गठजोड़ से, मतलब मिली जुली सरकार के कारण एक भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में लिप्त समाज को सपने को चकनाचूर कर दिया। झूठ का बोलबाला, सच का मुंह काला होने लगा। नेहरू जी के दिखाए सपने टूटने लगे। नया औद्योगिक समाज लोगों की संवेदनाएं कुचलने लगा। स्वार्थ सब परिवार हो गया। इससे रचनाकार आहत हुआ। अब इसमें बहुत सारा जो पॉइंट हमने बताया, ये बात आता है कि जब आजादी प्राप्त हुआ, आजादी मिला हमें, आजादी मिलने के उपरांत यह हुआ कि बहुत सारे स्वप्न बुने जाते हैं, और स्वप्न बुने जाने के कारण देश में जब भी कोई सत्ता हमारे यहाँ आती है तो अपने साथ साथ धर्म, भाषा, हम आप बात कर चुके हैं, और उसके साथ साथ जो वह फूट डालो राज करो का नीति जो अपनाया अंग्रेजों ने, उसका प्रभाव हमारे भारतवासियों पर भी पड़ा, और उसका सीधा सीधा असर ये हुआ कि भाई भाई को नहीं, परिवार को नहीं। पहले जब लोग कमाते थे या काम करते थे तो पहले समाज के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, तब जाकर परिवार के बारे में सोचते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। पहले लोग अगर कोई भी कार्य करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, तो सबसे पहले अपने अपने आप के बारे में, परिवार के बारे में, तब थोड़ा मोड़ा समाज में के लिए, और उसके बाद बच गया तो देश के लिए। यह बड़ा सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन बिल्कुल कट्टू सत्य है। और यही कारण कि रचनाकार जब आहत होता है तो लेखक को लगने लगा कि हर सिद्धांत, आदर्श और संदेश नकली है, झूठ है, और किसी से नहीं जुड़ना चाहिए। उसकी प्रतिबद्धता समाज के प्रति तो है, पर किसी बाहरी सिद्धांत का सहारा लेकर नहीं, बल्कि अपने देशी अनुभव पर आधारित होना चाहिए। वही फुट डालो राज करो। अब ये आदर्श और विचार हिंदी कहानी ने नाता तोड़ लिया और वर्तमान का वाचक बन गया। और उसके बाद क्या बना? उसके बाद दर्पण यह हुआ, कहानी जो समाज का दीपक नहीं बल्कि दर्पण बन गई, और जिसमें अतीत और भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान प्रतिबिंबित होता गया। कहानीकार अपना सुख दुख ही कहानी का सुख दुख बन गया, और उसकी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों पर घनीभूत वेदना है। जैसे धर्मवीर भारती की गुल की बनो, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, तीन कसम क्या क्या खाया था आप जानते होंगे, तीन कसम तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो है, फिल्म भी बनी है इस पर। शिव प्रसाद सिंह जी की नन्हो, शेखर जोशी की बदबू, उसके बाद शैलेंद्र मतियानी की प्रेत मुक्ति, शंकर परसाई का भोला राम का जीव प्रमाण है, जिसके बारे में हमने भोला राम के जीव के बारे में, कथा के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया। बहरहाल इस तरह से बनावटीपन का जिंदगी जो है, दोहरापन का जिंदगी जो है,
यहाँ के समाज ने भी। और प्रेमचंद दो बात करते हैं साहित्य के उद्देश्य में, दो बातें करते हैं, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आप सबको। दो तरह के साहित्यकार होते हैं, एक साहित्यकार वह होता है जो समाज के साथ चलता है, अब एक साहित्यकार वह होता है कि समाज के विपरीत दिशा में बढ़ता है। और यही कारण हुआ कि जब विभाजन हुआ या देश जब आजादी मिली देश को, तो उसके बाद में जो देश का जो समाज जो था, जो विषय बना कथा कहानियों में, वो एकल परिवार का होने लगा और भाई भाई में बनने नहीं लगा, भाई भाई में अलगाव उत्पन्न होने लगा। जहां पे मुनाफा देखे वहां पे झूठ ने सहारा लेना प्रारंभ कर दिया, उद्योगपतियों ने शोषण करना प्रारंभ कर चुके थे। जिंदगी जो की तरह रजुआ जैसे लेने लगी, धीरे 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 उसमें खोखला बनाने लगा, एक दोहरा व्यक्ति लोग जीने लगे, आपके सामने समक्ष सामने में कुछ और पीठ पीछे कुछ और, दोहरा व्यक्तित्व का जीवन व्यतीत करने लगे लोग। पर हाल इस प्रकार की कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा 1950 के बाद नई कहानी का जब प्रारंभ होता है ना। उसके बाद इसमें जब देखते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के दौरान हम ये पाते हैं कि साठोत्री कहानी में किस तरह से है। तो साठोत्री कहानी के अंतर्गत अगर हम देखें तो 1965 में कलकत्ते में गोष्ठी के दौरान, यानी संगोष्ठी जिसको आप अंग्रेजी में सेमिनार के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि एक आयोजन किया गया गोष्ठी, और उसके अंतर्गत देखा गया कि कथा गोष्ठी के आयोजन में जनेंद्र, यशपाल, विष्णु प्रभाकर जैसे कथाकारों को खारिज कर नए कहानीकारों को स्थापित करने का जोरदार हल्ला बोल हुआ, जिसमें नई कहानी के खिलाफ असंतोष के स्वर में उभरने लगा। और उस समय उन दिनों बाद में आरा में हुई गोष्ठी में हुआ, यानी कि बिहार जो आरा में है, बिहार के अंतर्गत जो देखा गया कि उस समय कथा गोष्ठी के दौरान इसके जो साठोत्री कहानी का जो विकास होने लगा, जो हल्ला बोल सुनाई देने लगा, वहां से इसका स्वर गुंजित हुआ और नई कहानी के दायरे से बाहर करना चाहते, जिसमें कि इस गोष्ठी के कर्ता धर्ता जो थे गोविंद मिश्र, विजय मोहन सिंह, कमलेश्वर काशीनाथ सिंह, रविंदर कालिया, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद बिमल, मधुकर सिंह इत्यादि कथाकारों ने हिस्सा लिया था। कमलेश्वर को छोड़कर सारे साठोत्री नई पीढ़ी के कथाकार हैं, और साठोत्री दौर के कहानियों को 60 के बाद की कहानी यानी समकालीन कहानी, आज की कहानी के कई नाम दिए गए, जिसमें कि अकहानी का भी नाम दिया गया। गोष्ठी की उपज है, इसी गोष्ठी का उपज है। उसके बाद इस दौरान की हम बात करें, इस कहानी के अंतर्गत इसमें हम देखेंगे कि इस दौर के जो कहानी में खासकर स्त्री पुरुष के संबंध चित्रण किए गए। अब इस दौर की कहानियों में स्त्री पुरुष, पति पत्नी, परिवार, समाज इत्यादि जो थे, जो नैतिकताओं की जो परंपरा रही है, उसका खासकर अगर हम देखा जाए इसके अंतर्गत, तो अश्लीलता को के हद में प्रवेश कर गई यहां तक। अब महानगरीय जीवन की विसंगतियां खुले रूप में उघाड़ा गया, जिसको कह सकते खुलापन। साठोत्री कविता कहानी के खास विशेषता यह थी कि जिसकी शुरुआत नई कहानी में हो चुकी थी, लेकिन एक शब्द है जो हमारे यहाँ मानक नहीं है, लेकिन उसको भी हम अगर हम देखें तो वहां पर चित्रण इसका बखूबी किया गया साठोत्री के अंतर्गत। अश्लील भी घोषित किया गया, जो भारतीय समाज के मानदंड में इसको स्वीकृति नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इसको उस समय घोषित किया गया, जिसमें कि राज कमल चौधरी, ममता कालिया, महेंद्र भल्ला इत्यादि कहानाकारों ने स्त्री पुरुष के संबंधों को एक नए नजरिए से देखा।
जिसमें कि पति पत्नी के संबंध में आने वाले बदलाव इस दौरे के कहानियों में तीक्ष्णता से उभरे हुए। श्रीकांत वर्मा की कहानी सात, प्रस्थान, ट्यूमर, प्रेम पत्र, बॉस इत्यादि उल्लेखनीय है। महेंद्र भल्ला की इस दौरे के कथाकारों में प्रमुख है, जो प्रेम और अश्लील का चित्रण किया। एक पति के नोट्स इस दृष्टि से बेजोड़ कहानी, हालांकि अश्लील जो कह रहे हैं वो शब्द मैं अलग कह रहा हूं नाम, इसमें कुछ दिया हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ चीजें साहित्यकार लोग लिख के चले गए हैं, शिक्षक शोधार्थी विद्यार्थी को उस शब्दों से कैसे बचना है उसको आपको तय करना, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। उसके उपरांत एक पति के नोट्स इस दृष्टि से बेजोड़ कहानी है। राजकमल चौधरी की कहानियां अश्लील सिगरेट और धुआं के परिवेश में लिखी गई, जो उस समय के महानगरीय मध्यवर्ग का एक चुटकी सच था। राजकमल चौधरी ने जिस तथ्य से उठाया यह गजब है, और यह दौर मध्यवर्ग की कहानियों का दौर था। इस युग की विसंगतियां और अंत विरोध, जो खासकर ज्ञान रंजन का पिता फेस इधर उधर इत्यादि, दूध नान सिंह का रीढ़ जैसे कहानियां कहानीकारों ने पारिवारिक मान्यताओं पर चिन्ह प्रश्न उठा दिए। इस प्रकार की कहानी को आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारा साठोत्री कहानियों में अश्लीलतापन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, अश्लील शब्दों का, अश्लील संबंधों का भी उठाया गया है। तो आप देख सकते हैं कहानी के माध्यम से बराल इसमें। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, यानी कि अंतिम है हमारा ये जो है समकालीन हिंदी कहानी के अंतर्गत, जिसमें कि अर्थ, इतिहास और स्वरूप, उसके बाद आलोचना, विचारधारा और प्रमुख कहानियां, और लोकतंत्रीय व्यवस्था में आम आदमी, मध्य वर्ग, कृषि मजदूर समाज, स्त्री समाज, दलित समाज, आदिवासी एवं हाशिए के अन्य समाज, अप्रवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, भूमंडलीकरण, बाजारवाद, नई सदी का भारतीय समाज। समकालीन हिंदी कहानियां में इस प्रकार के समाज को उकेरा गया है, और खासकर हम देखें कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में जो आम आदमी होता है वो तो किस हद तक पिसता है, इसका अनुमान आप अमूमन आए दिन अपनी आंखों से देख रहे होंगे। प्रतिदिन का यह दैनिक जीवन में आप देख रहे हैं कि आम आदमी, एक मध्यम वर्ग जो है, किस तरह व्यवस्था के कारण, जो व्यवस्था है हमारे यहाँ उसकी वजह से किस तरह से दलदल में धंसते चला जा रहा है, वो आप इस लोकतंत्रीय व्यवस्था में देख सकते हैं कि जो परियोजना वहां से जहां से सरकार पास करती है, वहां से चलते चलते आते आते जो जिसको सहायता की आवश्यकता है उसको मात्र एक टुकड़ा में मिलता है। जो इतना मोटरी भरा रहता है वहां पर गठरी, वहां तक आते आते बीच में इतने सारे बिचौलिया जो व्यवस्था बनी हुई है वहां तक पहुंचते पहुंचते उसको क्षणिक में मिलता है। तो व्यवस्था से किस तरह से पिसता है, इसको आधार बनाकर कहानियां लिखी गई। और रही दूसरी बात कृषक मजदूर समाज, जो कृषक है और जो मजदूर है, कृषक का रूप आपको गोदान के माध्यम से प्रेमचंद जी ने झलक दिखलाया है, या पुष्प की रात कहानी के माध्यम से, लेकिन जो मजदूर है उस पे कविता भी लिखे हैं नागार्जुन साहब जी ने, कई दिनों के बाद, जो आप कविता पढ़े भी होंगे शायद, या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा। अब एक और धूमिल जी का कविता है, एक इंसान जो है रोटी बेलता है, एक इंसान जो है रोटी खाता है,
एक इंसान और है जो न रोटी बेलता है न खाता है, मैं पूछता हूँ, ना वो सिर्फ रोटियों से खेलता है, मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश का संसद मौन है। बड़ा इसमें व्यंग भी है, राजनीतिक पर बड़ा कड़ा प्रहार भी है। तो आप देखेंगे कि मजदूर का जो स्थिति है वो डेली कुआं खोदता है और डेली पानी पीता वाला मामला है। कारण कारण यह है कि मजदूर अगर एक दिन काम काज पर नहीं जाए, उसके घर का जो चूल्हा है वो ठंडा पड़ जाता है। उस बारे को आधार बनाकर कथा इसमें लिखा गया है, आप बहुत सारे कथा देख सकते हैं। स्त्री समाज को उस स्तर तक ले गए हैं लोग, आप देख सकते हैं कथा के माध्यम से भी। तो इसमें आप जब स्त्री कथा के माध्यम देखेंगे, जैसे कि मनु भंडारी, ममता कालिया लोग का, उषा प्रेमचंद्रा लोग का, नशीरा शर्मा का कथा जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो दर्द है, उसका जो दंश है, क्योंकि स्त्री हर रोज नया तरह से जीना चाहती है और नया तरह से जीती है। उसको आप कुछ कह दिए अभी सुन लेगी, फिर वो कुछ देर बाद भूल जाएगी। ऐसा नहीं कि वो उसके मन में नहीं रहेगा। स्त्री हर जगह पर अपना दंश जो है झेलती है, चाहे वह कहीं ना, चाहे वह सरकारी कामकाज में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, घर में हो, समाज में हो, परिवार में हो, या कोई भी संबंध में हो, स्त्री हर जगह समाज में किस तरह से उसका स्थिति है आप देख सकते हैं। बहरहाल उसके बाद आ जाते हैं दलित समाज में। दलित समाज के अंतर्गत आप जानते हैं कि दलित जो हर समय में दबा हुआ है, कुचला हुआ है। पहले का अगर हम बात करें, दलित एक शब्द जाति के लिए विशेष प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी दलित दलित की परिभाषा और पहले के दलित की परिभाषा में अंतर आ गया है। पहले दलित की परिभाषा थी जो जाति से हो, जिस नाम से संबोधित किया जाता हो उसे, लेकिन अभी दलित वह है जिसमें कोई भी आ जाता है, चाहे वह स्वर्ण हो या वह अन्य जातियां हो। दलित वह है जो समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाई गई मुहिम जो उस तक नहीं पहुंचाई जाए उसे हम दलित कहते हैं। किसी भी कारण से समाज में पिछड़ा हुआ है उसे हम दलित कहते हैं। लेकिन पहले दलित का मतलब एक जाति से होता था, लेकिन आज दलित एक आज अभद्र भाषा का पहले के रूप में कहे अभद्र भाषा का रूप में बोला जाता था, कहा जाता था। अरे दलित, दलित नाम से ही मन में एक घृणा उत्पन्न होने लगती। लेकिन आज की अगर बात करें, दलित की हम बात करें, दलित की परिभाषा करें, तो उसकी परिभाषा इतर है, अलग है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी को आधार बनाकर दलित की कथा लिखा गया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आदिवासी एवं हाशिए के अन्य समाज। आदिवासियों का जो दंश हमेशा से रहा है, जब खासकर उद्योग क्रांति हुई हमारे, उद्योग क्रांति के समय उन लोग विस्थापन की समस्या ज्यादा है। एक महुआ माझी की कथा है, उपन्यास है, आप उसमें पढ़िएगा कि दलित जब विस्थापन जो होता है, जो विस्थापन जो होता है आदिवासी, जहां पे आप कई वर्षों से रह रहे हैं, 50 वर्षों से या 200 वर्षों से, या आप परंपरा जो आपके दादा परदादा से रह रहे हैं, आप उसको घर को खाली छोड़कर, उस जगह को, जमीन को, खेत को, खलिहान को छोड़कर कहीं किसी और देश में बसना होगा, तो वहां पे देखेंगे कि उनका जो दर्द है, जो त्रासदी है, वह कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वह व्यक्ति समझ सकता। कोई भी इंसान कहीं भी जाता है तो मकान करकट जो बनाता है, या तो ईट बालोई सीमेंट छड़ सरिया वगैरह से बनाता है, लेकिन उसको घर बनाने का जिम्मा जो होता है उसके परिवार के लोग काम करते हैं, उसके परिवार का सदस्य मिलकर वो घर को घर बनाते हैं। वह पत्थर का मकाबरा घर बनाने में सबसे बड़ा योगदान उसके सदस्यों का होता है, और सदस्यों की यादें होती है, परंपराओं की याद जो होती है, वह छोड़कर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जो विस्थापन होते हैं, दूसरे स्थान चले जाते हैं, वह सबसे बड़ा दर्द होता है। वह दर्द के दास्तान जो हाशिए तक पहुंचा देता है इस समाज को।
आदिवासी का दर्द सबसे बड़ा दर्द है जो विस्थापन का दर्द। अब देख लीजिएगा, अब प्रवासी समाज, अब प्रवासी जो यहां से पूर्व चले गए हैं, यहां से कई वर्ष पूर्व यहां से इस देश को छोड़कर किसी अन्य देश में चले गए, उसकी बात कर रहे हैं अप्रवासी। फिर अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यक में आप जानते होंगे कि देखते हैं कि थर्ड जेंडर जिसको आप कहते हैं, इसको मान्यता अभी भी बहुत हद तक दिया गया है। सरकार के अनुसार आप कॉलम देने लगे, जब भी आप सरकारी कार्यों में कोई भी आवेदन फॉर्म भरते हैं, फिलअप करते हैं, आप देखते होंगे कि उसमें तीन कैटेगरी अब आ गया। पहले दो ही कैटेगरी आता था, मेल या फीमेल, लेकिन अब एक और कैटेगरी आ गया और उसके बाद चौथा अन्य आ गया। तो इस रूप में आप देखेंगे अल्पसंख्यक का जो दर्द है वह सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जैसे एक स्त्री का दर्द समझकर एक पुरुष लिख तो सकता है, लेकिन पुरुष कभी भी वो क्या कर रहा है, ऊपरी सतह से समझना, आंतरिक सतह से समझना पुरुष की भी बस की बात नहीं। वही अल्पसंख्यक का जो दर्द है सिर्फ वही समझ सकते। इसके बारे में कथा रचना देख लीजिएगा। उसके बाद भूमंडलीकरण का जब बात आया, तो भूमंडलीकरण के बाद उसके बाद बाजारवाद, उसके बाद नई सदी भारतीय समाज में किस तरह से, जब बाजारवाद और भूमंडलीकरण का जब प्रवेश हुआ हमारे युग में, तो आप गौर फरमाएंगे या ध्यान देंगे कि उस समय कहानियों का जो दौर रहा है या कहानी में किस तरह से परिवर्तन आ गया शब्दों में, अब बहुत अलग तरह की कहानी होने लगी, अलग तरह का उसमें शब्द बुनने लगे लोग, रचनाकार लोग, आम बोलचाल की भाषा उसमें आने लगी, तकनीकी की भाषा का प्रयोग होने लगा, डिजिटल प्रयोग होने लगा, लिखने में सुनने में शॉर्ट स्टोरी जिसको गल्प कहते हैं, अलग अलग बाजारवाद के रूप में आ गया। आज आप रूप में देखेंगे समकालीन में तो बहुत सारे ऐसे कथावाचक जैसे, कथावाचना जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप चल गए, साइट चल गए, आप देखेंगे उसमें देश विदेश की कई कहानियां आपको सुनने को मिलेगा वाचन रूप में, बहुत सारे ऐप आ गए। तो भूमंडलीकरण बाजारवाद के बाद छोटी छोटी स्टोरी के रूप में हमारे यहाँ इस तरह से भारतीय समाज में खासकर ये घुस गया। बहरहाल समय समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको देख लीजिएगा, कुछ कुछ हमने कहा था कि कुछ प्रश्न उत्तर इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जैसे अगर मान लीजिए समकालीन हिंदी कहानी की बात करें, तो उसमें आएगा कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में आम आदमी का जो जीवन है उसमें किस तरह से दोहरापन आया, या उससे क्या आप समझते हैं, लोकतंत्रीय व्यवस्था से आप किस प्रकार से कहानियों से रिलेटेड करते हैं अपने आप, या जो मजदूर व्यवस्था है या मजदूर समाज के जो व्यवस्था बनी हुई है उसको रचनाकार किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसको अपने हिसाब से समझाइए, अपना विचार प्रकट कीजिए। स्त्री का तो नॉर्मल है, आप देख लीजिएगा। और कुछ कुछ हमने कहा था, हाँ, मनोविश्लेषणवाद, कथा के माध्यम से मनोविश्लेषणवाद किस प्रकार आपको दिखलाई पड़ता है, जैसे जनेंद्र की कहानी, अगे की कहानी या यशपाल की कहानी। उसके बाद आ जाते हैं प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद के उपरांत कहानी, जैसे जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख कहानियां हैं, या उनका उपन्यास जो है या नाटक है, आप देखेंगे कि हिंदी कथा कहानी के अंतर्गत किस तरह से उसका प्रवेश किया गया है। उसमें हम आपको कुछ कुछ बिंदुए बताएंगे जो कि आपको कारगर साबित होंगी। जैसे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के विकास और स्वरूप का, स्वरूप को
अपनी भाषा में दर्शाई है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज है, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के विकास और स्वरूप का विवेचन कीजिए, लेकिन अब अपनी भाषा में समझाइए। या उसमें अगर कह दिया कि प्रेमचंद पूर्व और हिंदी कहानी के विकास का स्वरूप अपने अनुसार दर्शाइए, तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। कारण यह है कि जब मूल पाठ आप पढ़ते हैं तो जो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आप एक चीज गौर कीजिएगा कि जो आप कहानी का टेक्स्ट पढ़े हैं, जो मूल पाठ पढ़े हैं, उसका वही चीज कहना है, बस पसरते हुआ प्रश्न उत्तर जो है, प्रश्न जो है इधर से नहीं इधर से पूछता है, मतलब घुमाकर पूछता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेखन आपको ही करना, लिखने का शैली थोड़ा परिवर्तन कर देना है। लिखना वैसा ही है जैसा कि उत्तर आप लिखते हैं समान अर्थों में। अब कथा विकास की बात करें तो विकास कैसे हुआ, कौन से कहानी आया, कब आया, उसके बाद उसका विकास कैसे हुआ, समय दर समय चल बढ़ते चले जाइए। प्रेमचंद के समय कौन कहानी, प्रेमचंद के बाद कौन कहानी, उसके बाद थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए। इस प्रकार से उसका विवेचन करना है, इस प्रकार से उसको बढ़ाना है। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, है ना। चलिए आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद हम लोग मिलेंगे फिर डीएससी 12 के अंतर्गत, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद।